नहीं दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 एपी समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज 5.1 पहले बता चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए देखते हैं हम लोग सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि देखो कुछ टर्म दिए, देखो 5 क्वेश्चन दिया है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, हर चीज को मैं डिफाइन कर चुका हूं। ए पहला पद, फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस सार्वान्तर, एन कितने पद हैं और एन एनवा पद वो एल भी हो सकता है। फॉर्मूला आपको पता है, इसमें कहीं से भी पूछा जाए एक ही फॉर्मूला लगेगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किडनी में डाल दो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, पूरा चैप्टर इसी से बनेगा ही। चलिए देखते हैं, पहले वाले को ध्यान से देखो, मैं ना कुछ सवाल को यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी के सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ समझाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में कह रहा है कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, D is equal to दिया है 3, इसमें n बराबर 8 है, तो an बोला है, मतलब 8 टर्म है AP में, तो तुमको क्या निकालने के लिए बोला, बोले an निकाल के दिखा दो, तो 8वां टर्म क्या होता है? मैंने बोला बिल्कुल आसान है सर, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन हर किसी को पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a बराबर 7 प्लस n बराबर 3 माइनस 1 गुना 8, डायरेक्ट बोल सकते हैं 7 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 गुना 8 बराबर हो गया 7 प्लस 8 गुनी 16, कितना हो गया 16 और 7 23। तो कहने का मतलब हुआ कि सर इसका पहला वाला सवाल के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो 23 होगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं, तब तक इसको देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ नहीं है, इस बार डी निकालने बोल दिया है, तो अब वो चार चीज तो है, एन दिया है, ए है, एन दिया है, डी निकालना है, चार चीज में तीन दिया, तीन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखिए, एन बराबर जीरो, कोई एन बराबर जीरो है, ए इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू 10 है, माइनस 1 इंटू डी, एकदम इजी बनेगा। ध्यान से ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 0 प्लस 18, ये 0 को क्यों लिखे, हटाना इसको, डायरेक्ट 18 कर देते हैं, माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस बराबर ये हो गया 980, अरे 10 मिल गया तो नहीं तो बचा, तो अब इसलिए डी बराबर कितना आ गया 18/9, इसको यदि सॉल्व किया जाए तो डी बराबर आ जाएगा। अरे 18.9 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 18.9 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये n माइनस 1 इनटू, अभी इसको 2.5 भी रहने देते हैं, आगे फायदा करेगा मुझे। चलो ध्यान से ये कितना हो गया 915, 8 3 11, 12 एक और एक, ये एक अंक के बाद में एक ही काम डायरेक्ट ही कर देता हूं, अब ये गुना में है, इधर आएगा तो डेफिनेटली भागा में जाएगा, 2.5 इज इक्वल टू n माइनस, ध्यान से तुमको दिखेगा सर इधर से पॉइंट हटेगा इधर एक जीरो और इधर से पॉइंट हटेगा इधर भी एक जीरो, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 25 9 225। तो इस आधार पे आप देखोगे तो n इक्वल टू क्या बोले सर, इधर का तो नहीं है, ये माइनस है, इधर आता तो प्लस हो जाता, तो इसलिए आपको n बराबर कितना आ जाएगा 10 एंड दिस विल बी योर आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं किया। ध्यान से देखो एक एग्जांपल देखो, एपी जो था जैसे एक एपी हम दे दिया 2 2 2 2 2, क्या कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है सर, या तो जीरो प्लस में बढ़ा दिया है या तो जीरो माइनस में बढ़ा दिया, तो जीरो 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 करके सेम बढ़ा दिया, मतलब वास्तविकता में कुछ बढ़ाया है, वास्तविकता में कुछ नहीं बढ़ाया। तो यदि डी बराबर जीरो है, ए दिया हुआ है, इसका करोड़वां पद भी बोलेगा ना, फिर भी वही आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो ए इज इक्वल टू 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन के जगह पे 135 होगा, 135 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0, तो तुम खुद ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 3.5 प्लस ये कितना आ जाएगा 135 माइनस 134 इंटू 0, तो वो तो 0 ही होगा, तो ये 3.5 प्लस का 0 बराबर हो गया 3.5, सेम चीज रह गया, कोई डिफरेंस नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट बोला गया है वो क्या कह रहा है कि सर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है,
10-7-4 ही एपी में, इसका 13th टर्म क्या होगा, टिक करना है। हालांकि टिक करके तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सॉल्व करके देख लो ना, क्या नुकसान जाता है। ए एन बराबर क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, तो सर ए की वैल्यू 10 है और मुझे ए 30 चाहिए, एन की वैल्यू भी दी हुई है 30 चाहिए, तो प्लस 30 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 3 है। तो देखो सॉल्व करो, 10 प्लस ये हो गया 29 गुना माइनस का 3 बराबर 10 माइनस 29 दिया 87 तो बराबर माइनस का 77। ये तो वैसे भी आंसर आ सकता था, या तो इसका और भी इजी तरीके से देख सकते हो आप, कुछ नहीं करना है, इतना लंबा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकालो, यदि टिक द करेक्ट तो डायरेक्ट निकालो। क्या होगा, मतलब सर ए 30 बोला है तो हमको भी पता ये हो जाएगा ए प्लस 29 डी। देखो तो ए बराबर 10 प्लस 29 गुना डी का वैल्यू माइनस का 3 आया, देखो तो उतना कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, बराबर माइनस का 77 आ गया। तो टिक करने के लिए डायरेक्ट आप आंसर ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये भी एमसीक्यू है, एकदम दिमाग नहीं लगा, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बोला ए 11 निकालिए, तो हर किसी को बताइए और ऑलरेडी फॉर्मूला बता रहे, जिससे जितना बोलेगा उससे एक कम करके डी से गुना करना है, ए इंटू 10 डी, तो ए बराबर कितना वो तुम खुद देखोगे, तो ए बराबर सर माइनस का 3 है प्लस 10 इंटू डिफरेंस कितना जा रहा है, तो तुम दिमाग लगा, तो बोले सर माइनस 3 से आधा आ गया, माइनस 3 से आधा आ गया, क्या ढाई नहीं बढ़ गया, अरे माइनस से घट रहा है, फिर देखो 2 आएगा फिर घटेगा, तो कहीं ना कहीं आधा, आप इसको नॉर्मल देख भी सकते हो, माइनस का 1/3 माइनस का 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो गया तुम्हारा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 1 2 2 माइनस का 6, ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको घटाना है तो नॉर्मली ये माइनस ऑफ माइनस 3 होगा जिसके कारण प्लस हो जाएगा, तो बराबर कहीं ना कहीं ये 5/2 बढ़ रहा है, मतलब हर बार घट 5/2 प्लस में जा रहा है, तो 5/2 से कर दो, 2 5 10 बराबर कितना आ गया माइनस का 3 प्लस 5 5 25, तो इक्वल टू हो गया 25 में 3 गया तो 22 आएगा इसका आंसर, ये हो गया ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ना 5 सवाल है, बोला फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और कुछ नहीं कहा है। देखो फर्स्ट टर्म दिया है, सब एपी में फर्स्ट टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म क्या होगा, बिल्कुल आसान सी बात है, आप फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो आप इसको, ध्यान से देखो ए इज इक्वल टू कितना है 2, और क्या दिया है, बोल सर एक ए 3 दिया हुआ है, ए 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 26, निकालना क्या है, बोले सर ए 2 को निकालना है, ए 2 को हमको निकालना है, चलो कोई बात नहीं है, ए 3 जो दिया ना इसी तरह लगभग काम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी तुमको बार बार सिखा चुके हैं कि ए 3 को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 2 डी, यहां से डी निकल जाएगा, देखो ए 3 की वैल्यू है 26 बराबर ए की वैल्यू 2 प्लस 2 डी, तो यहां से देखो 26 ये प्लस इधर आएगा माइनस का 2 इक्वल टू 2 डी, तो या डी इज इक्वल टू कितना होगा, तो 26 में से 2 गया तो 24 और ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा और ये कट जाएगा 12 बार में, तो इस हिसाब से D की वैल्यू आती है 12। अब यदि D बराबर 12 है तो A2 क्या होता है, ये तो कंसेप्ट में ही समझाया था मैंने कि A प्लस D, पहला पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो आंसर आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू है 2 और D बराबर है 12, तो कितना हो गया 12 और 2 14, दिस विल बी योर सेकेंड टर्म आ गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में A का वैल्यू दिया था, इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इस सवाल को यदि तुम ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, ए भी चाहिए और थर्ड टर्म भी चाहिए, कोई बात नहीं है, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आराम से बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से देखो, अरे एक चीज तो तुमको दिया हुआ है ना कि ए टू दी हुई है, कितना देगा ए टू बराबर 13, तो ए टू को मैं तो कह ही सकता हूं कि ए टू इक्वल टू क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा ए प्लस डी की वैल्यू 13 दी हुई है, एक इक्वेशन ये बना, दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा तुम देख रहे हो कि A4 दिया हुआ है, A4 कितना है 3, यदि A4 3 हुआ है तो इस मत किसका मतलब क्या हुआ, ये A प्लस 3D का ही तो वैल्यू है, अरे A4 क्या होगा A प्लस 3D का ही तो वैल्यू है, और ये दिया हुआ है 3 बराबर ये सेकंड हो गया। देखो यहां से फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है, मैं यदि समीकरण 2 में 1 घटा दूं, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, देखो इस सवाल को यदि 2 इक्वेशन बन जाता है तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, आपको इन चीज सारे चीजों को देखना होगा, तो द्विघात समीकरण मैंने जो पढ़ाया आप उसको देख सकते हो, ठीक है, चलिए इसको ध्यान देते हैं, 2 में से 1 घटाता हूं तो ये क्या होगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और a प्लस d इज इक्वल टू 13, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि घटा रहा हूं मैं,
तो ये हो जाएगा कट गया। देखो 3D में डी गया तो बचा 2D इज इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। तो इस आधार पे मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख सकता हूँ कि D इज इक्वल टू माइनस का 10/2, ये कटा 5 बार में, तो D बराबर आ गया माइनस का 5। अब यदि D बराबर माइनस का 5 आया तो इसका वैल्यू किसी भी एक में रख दो। मैं रख देता हूँ यहाँ पे D का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इंटू इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 13, जहाँ पे D की वैल्यू कितनी है माइनस की 5, माइनस की 5। तो देयर फोर मैं डायरेक्ट लिख दूं A इज इक्वल टू ये 13, ये माइनस है बाबू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो पहला वाला कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार से मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कि क्या, सॉरी D की वैल्यू माइनस की 5 है, जी हाँ A बराबर 18 है, यहाँ पे मिस्टेक, ये 18 हो गया, तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगी आपकी आंसर। तो पहले वाले में भरा जाएगा 18 और लास्ट थर्ड वाले में हो जाएगा 8, आंसर आ गया। देखो थर्ड नंबर भी मैं उसी तरह से डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी तुम देखो फर्स्ट के जैसा ही, फर्स्ट में एक गैप था, इसमें दो गैप दे दिया, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा दिया इसका। A बराबर 5 है, जो चौथा टर्म है वो 9/2 दिया है, तो 4 टर्म को A प्लस 3D लिख सकते हैं 19/2। इसको सॉल्व किए तो D का वैल्यू आता है 3/2, मतलब डेढ़, अब डेढ़ आ रहा है, तो A2 के लिए क्या होगा A प्लस D, देखो डाल दिए 6/6 आ गया, और यदि A3 मैंने डाला तो उसी प्रकार से निकाला तो A8 बन गया ये। तो 3 नंबर इस तरह है, 4 नंबर भी इसी प्रकार से बनेगा, उसका भी मैं सॉल्यूशन दे दे रहा हूं आपको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम था, तो मैंने फर्स्ट समझाया, बाकी सबका सिर्फ मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका मैं। ध्यान से देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फर्स्ट टर्म दिया है और यहां सिक्स्थ टर्म दिया है, तो 3 सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको मैंने यहां निकाल के दिखा दिया, ए दिया है, सिर्फ डी निकालना था यहां से, और बाकी का सॉल्यूशन यहां पे, आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का है ये फिफ्थ नंबर, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया है इसमें, और देखो एक लास्ट है जो कि सिक्स्थ नंबर का टर्म है वो दिया है, ए भी निकालना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब निकालना है, सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ध्यान से देखो तुमको क्या दिया है, तो बोले सर दिया गया है हमको कि A2 बराबर दिया हुआ है 38, ठीक है कोई बात नहीं, यदि A2 38 है इसका मतलब एक चीज तो पता चल गया कि सर A2 तो A प्लस D ही होगा, इसकी वैल्यू है 38, ठीक है इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। आगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब A6 दिया हुआ है, A6 कितना है माइनस का 22, यदि इसी को सॉल्व करके लिखें तो A प्लस 5D की वैल्यू है माइनस का 22, ये हो गया इक्वेशन 2। तो बाबू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दिया है, यदि 1 को 2 में घटा दे तो काम नहीं हो जाएगा, देखो तो निकालता हूं मैं, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर मैं घटा देता हूं, देखो आंसर आ जाएगा, घटाओ क्या A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22 और A प्लस D इज इक्वल टू 38, घटाऊंगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस सर A से A तो क्रॉस कर गया, 5D में 1D गया तो बचा 4D इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये जुड़ जाएगा 8, 2, 10, 3, 2, 5 और 1, 6, बट माइनस का ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आधार पे यदि तुम ध्यान से देखोगे तो D बराबर आएगा माइनस का 60/4, तो इस आधार पे D कितना है, अरे 4 से तो 60 15 बार में कटेगा ना, तो D बराबर आ गया माइनस का 15। अब जैसे ही D की वैल्यू माइनस की 15 आई तो लगे हाथ आप A का भी निकाल दो, है ना, तो मैं ना यहीं पे A का वैल्यू निकाल देता हूं डायरेक्ट, कि इक्वेशन नंबर 1 को यदि आप ध्यान से देखोगे, समीकरण 1 से फिर से यदि आप देखोगे दिखेगा कि A प्लस D की वैल्यू है 38, ठीक है, तो यदि मैं पुट करता हूं तो A प्लस D इज इक्वल टू कितना है माइनस का 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 38, तो इस आधार पे जो आपका A होगा वो 38 प्लस का 15 चला जाएगा, तो therefore हम लोग ये बात कह सकते हैं कि A की जो वैल्यू होगी वो 8, 5, 13, 3, 1, 4 और 1, 5 A इज इक्वल टू होगा 53। पहला निकल गया तो ये सब भी तुरंत निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलता है। देखो A तो 53 निकल गया, पहला का आंसर है,
अब हमको निकालना है 3, 4 और 5, तो ए थ्री इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 2d लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस की 15, तो कितना हो गया ये 53 माइनस 30, तो इसको टू यहाँ आ गया 23। ये कौन सा टर्म आया, बोले सर ये आ गया आपका थर्ड टर्म। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 3d लिख सकता हूँ मैं, इसको टू होगा a इक्वल टू 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, कितना हो गया ये 53 माइनस 45, ये कितना हो गया प्लस का 8 आया। और यदि एक लास्ट देखा जाए a5, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15 इक्वल टू कितना हुआ 53 माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 7। तो कहीं ना कहीं सारे टर्म इसके आपके आंसर्स आ चुके हैं।